बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर कितने बड़े पुण्य का काम करता है, कितनी बड़ी पॉजिटिविटी लाता है हम सभी के जीवन में, इसलिए शेयर जरूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं कि मैं आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपकी इंडस्ट्री का, दुकान का वास्तु देखूँ, या वास्तु के अनुसार से कुछ आप सजेशन चाहते हैं, तो सीधा जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट कीजिए और मुझे कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं आज के खास विषय पर। मित्रों आज हम एक बहुत खास चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत खास विषय हमारा, और ये 99.9% लोगों के घर में ये गलती को आप या उनकी दुकानों में इन गलतियों को देखेंगे। विषय क्या है हमारा, वास्तु के अनुसार कार्यालय में इन तीन देवी देवताओं की बैठी हुई फोटो पहुंचाती है नुकसान। शास्त्रीय आधार भी आपको बताएंगे, वास्तु क्या कहता है आपको ये भी बताएंगे, और इसके पीछे का कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे। देखिए पूजाघर और वास्तुशास्त्र का आपस में खास संबंध है। घर में वास्तु दोष हों तो व्यक्ति के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर पूजाघर में वास्तु दोष हो तो किस्मत खराब हो जाती है। और स्पेशली अगर बात हो आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान की, आपके दुकान की, आपके फैक्ट्री की, आपके इंडस्ट्री की, या आपके कार्यालय की, आपके दफ्तर की, तो बहुत दिक्कत वाली स्थिति है। वास्तु में पूजा घर को लेकर कुछ विशेष नियम हैं। अगर पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार है तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, साथ में किस्मत भी चमक जाती है। और इसके वनस्पत उलट, अगर दुकान या व्यवसायिक केंद्र में कुछ गड़बड़ हो और पूजा घर में व्यवसायिक छोटा सा ही कॉर्नर ही सही दुकान में जो लोग अगरबत्ती जहाँ लगाते हैं या दीपक लगाते हैं, वहाँ पर एक गलती यूजुअली लोग करते हैं। क्या गलती है, वास्तु के अनुसार दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के पूजा घर में देवी देवताओं की अधिक तस्वीरें लगा देते हैं जो नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के पूजा घर में, ध्यान से सुनिएगा, गणपति सरस्वती और लक्ष्मी इनकी बैठी हुई तस्वीर नहीं लगाई जाती। अब इसको हम देखते हैं क्यों। अमूमन सी बात है कि व्यक्ति पूछेगा भैया ये तो हम सबके यहाँ पे लगी हुई, और आप देख लीजिएगा अगर आपके पास में भी दुकान है, आपका कार्यालय, लक्ष्मी जी बैठी हुई होंगी तभी धंधा बैठ गया है, गणेश जी बैठेंगे तभी दुकान पे ग्राहक कम चढ़ते हैं, सरस्वती बैठ गई है यानी कि आपका ज्ञान ही बैठ गया है, तो आप जब क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट सेट नहीं हो पाता, कन्वेंस नहीं हो पाता आपसे। देखिए लक्ष्मी चलायमान है, आपके गले में अगर पैसा आएगा तो वो आपके घर आएगा, घर में बैठी हुई लक्ष्मी जरूरी होती है। गणपति का मतलब होता है श्री गणेश करना, रिद्धि और सिद्धि के साथ में शुभ और लाभ ता लाना। अगर गणेश जी ही बैठ जाएंगे तो ना तो शुभ आएगा ना लाभ आएगा, बैठे रहेंगे गणेश जी मेरे जैसे हैं, देखा ना आपने हेल्थ में तो। और अगर ज्ञान की देवी सरस्वती बैठ गई तो आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक भी बढ़ जाएगा। इसलिए यही कारण है कि दुकानों में जहां पर आप दूसरे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे होते हैं धनार्जन के लिए, देखिए अगर आप लाभ नहीं कमा सकते, अगर आप बुद्धि से किसी क्लाइंट को नहीं सेट कर सकते, अगर आप गंजे को कंघी नहीं बेच सकते तो आप धंधा नहीं कर सकते, फिर आप नौकरी के लायक हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपका रोज़गार खुद का है, आपका ऑफिस है,
आप कोई आईटी का काम करते हैं और वहाँ पर आपने अगर बैठे हुए गणेश जी, बैठी हुई लक्ष्मी और बैठी हुई सरस्वती लगा दी, तो आप ये समझिएगा आपके धंधे में 40% रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है। वास्तु के अनुसार दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के पूजा घर में लक्ष्मी, गणपति और सरस्वती की तस्वीर हमेशा खड़ी हुई स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के पूजा घर में हमेशा धीमी रोशनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज रोशनी ना हो और कभी भी अंधेरा ना रखें, वहाँ पे एक छोटा बल्ब लगाएं ज़रूर। वास्तु के अनुसार दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के पूजा घर में सीलन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दीवार देख लीजिएगा, अगर ईशान कोण में, उत्तर में, पूर्व में आपने मंदिर लगाया है, उस दीवार पर सीलन नहीं होनी चाहिए। अगर सीलन होती है तो आपका धंधा बैठ जाएगा। धंधा है ना, लक्ष्मी का नाम है। आप शास्त्र पढ़ के देखेंगे तो लक्ष्मी का एक नाम धन और दा है, धन देने वाली। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम को जब आप पूजा करते हैं तो उसमें दीपक ज़रूर जलाएं और दीपक की जो लौ है, चाहे वो चंदन कपूर आरती करें आप, उसमें घी का दीपक जलाना ज़रूरी माना जाता है और ये शुभ रहता है। और नेगेटिविटी को मिटाने के लिए कर्पूर ज़रूर जलाएं दुकान में। अब कमाई बढ़ाने के लिए और नुकसान से बचने के लिए एक विशेष वास्तु टिप आपके लिए, क्या करें आप, रजत पत्र यानी कि चांदी के पत्रे पर दोनों तरफ बीसा यंत्र बना हुआ हो, बनवा लें हाथ से बना हुआ। विशिष्ट मुहूर्त में बीसा के बारे में क्या कहावत है कि जो पहने बीसा उसका क्या बिगाड़े जगदीशा। और बीसा भी कौन सा बीसा, देखिए कम से कम 108 अलग अलग तरीके के बीसा है और उसे कहते हैं धनदा बीसा। तो धनदा बीसा यंत्र बनवाएं रजत पत्र के दोनों तरफ और उसे 10 मुखी रुद्राक्ष के नीचे सेट करवाएं और उसके नीचे सेट करवाएं एक क्रिस्टल की मणि जिसे हम शिव मणि कहते हैं, जिसका काम होता है नेगेटिविटी को हर लेना। और बीसा का काम होता है बढ़ाना और रुद्राक्ष का काम होता है फैलाना। 10 दिशाओं से धंधा आ सकता है आपके पास में, नुकसान खत्म होगा और विशेष रूप से धन में बरकत रहेगी। और इसे पूजा स्थल जो है आपका व्यवसाय केंद्र का, उसे लटका दें, आश्वस्त करता हूँ आपको खन खन और छन छन भरी रहेगी तिजोरी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। इस उम्मीद के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे, इजाज़त लेता हूँ आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।